हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल कंपनी के शेयर के बारे में। लगभग दोस्तों गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है, दिन पर दिन गिरावट में जा रहा है शेयर, दिन पर दिन लो सेकंड लग रहा है शेयर पे। तो अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या राय है एक्सपर्ट की, क्या करंट प्राइस पर इन्वेस्ट करना सही है नहीं है। क्योंकि दोस्तों गिरावट का फ़ायदा आप ले सकते हो, लेकिन एक बात सोच समझ के ले आप, क्योंकि स्टॉक दिन पे दिन गिरावट हो रही है, गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें आप, अगर इन्वेस्ट करना है आपको तो। अब बात करें टारगेट की। देखो दोस्तों टारगेट आपको लेकर चलना है खूब से खूब 25 रुपीज़ का, आपको टारगेट शॉर्ट टाइम में कम से कम एक मंथ के अंदर लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी सवाल ये भी है, काफ़ी क्वेश्चन ये भी है कि शेयर दिन पे दिन डाउन जा रहा है तो क्या करें। देखो दोस्तों एक और बात बोल दूँ आपको कि डाउन जा रहा है शेयर, जब तेज़ी देखने को मिलेगी आपको, जब उछाल देखने को मिलेगा तो काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी तेज़ी से शेयर ऊपर जाएगा। क्योंकि दोस्तों पिछले वीक में, पिछले मंथ में शेयर ने 47 रुपीज़ के आसपास का हाई था, मतलब काफ़ी बड़ी बात है कि इसने एक 20 रुपये के 10 रुपये के स्टॉक ने 47 रुपीज़ के आसपास चला गया था। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको इस बार फिर से 50 रुपये की प्राइस आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है दोस्तों, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो।